हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्कार, वट एवर यू फील कनेक्टेड विथ, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। पहले आप मुझे बता दीजिए कि मेरी वॉइस क्लियर है, और जल्दी से जल्दी वीडियो को शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करें। ओके, और जैसे कि आप जानते हैं कि ये जो लेक्चर सीरीज हैं, कम्प्लीट क्रैश कोर्स हैं ऑन जम्मू एंड कश्मीर जनरल नॉलेज। आप यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशल फीचर्स ऑफ दिस लेक्चर सीरीज, जिसमें हम कवर करेंगे बहुत सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एज वेल एज दोज टॉपिक्स जो कि अक्सर पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। इसके अलावा हम आल्सो डिस्कस करेंगे अबाउट द लेटेस्ट स्कीम्स, प्रोग्राम्स, पंचायती राज एक्ट 1989 विद लेटेस्ट अमेंडमेंट्स, एज वेल एज हम आल्सो कवर करेंगे हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिक्स एट्सेट्रा। और अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो मैं आपको रिकमेंड करता हूं कि आप नोट डाउन कीजिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, सो दैट माइट हेल्प यू इन अवर एग्जामिनेशन। सो शुरू करने से पहले मैं आपको ऑल्सो बता दूं, आप मुझे डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स पे। और अगर आपको कोई क्वेरी, डाउट हो, या अगर आपको स्टडी मटेरियल की ज़रूरत हो, देन आप मुझे मेल कर सकते हैं मेरी ईमेल आईडी के ऊपर, जहाँ मैं आपसे इंटरेक्ट करूँगा। ओके, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा सेट नंबर 5, जिसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट द पॉलिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेट नंबर 5 के अंडर हम डिस्कस करेंगे अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जुडिशरी, पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर विथ लेटेस्ट अमेंडमेंट्स। लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज सेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल जानते हैं अबाउट द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। बात करते हैं पहले अबाउट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। एज पर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर 2019, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने अपॉइंट किया लेफ्टिनेंट गवर्नर इन ऑर्डर टू एडमिनिस्टर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर का जो टर्म होगी, जो उसका पीरियड होगा, वो होगा 5 ईयर्स एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ये पावर है कि वो रिमूव कर सकता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को, एज वेल एज वो आल्सो एक्सटेंड कर सकता है उसके टाइम पीरियड को। और जो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उसके पास बहुत सारे पावर्स होते हैं, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर जो हैं वो कैरी आउट करता है अपनी एक्शंस एज पर द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, इनको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, एक्सेप्ट जो चीफ मिनिस्टर हैं वो डिस्क्रिशनरी पावर्स पे कोई भी अथॉरिटी नहीं रखता है, जो कि डिस्क्रिशनरी पावर्स खाली गवर्नर पोजेस करता है, जिसके लिए गवर्नर को एडवाइस की ज़रूरत नहीं पड़ती है ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक्चुअली थ्रू डिस्क्रिशनरी पावर्स जो गवर्नर हैं वो एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन सेंटर एंड स्टेट। और ये यहाँ पे वर्दी है मेंशन करना कि जो ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ACB, ये वर्क करते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा जो सेंटर है वो एक्सरसाइज करता है अपना ओन पावर, ओन कंट्रोल ओवर ऑन द लॉ, ऑर्डर एंड पुलिस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर। वाइल जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, वो कंट्रोल रखती है ओवर ऑन द लैंड, एंड एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो लैंड है वो आता है अंडर द स्टेट लिस्ट। सो जो स्टेट लिस्ट है, इस पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो लॉज बनाती है। एनीवेज, गिरीश चंद्र मुर्मू जो है, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं, उसको अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू थे, वो एक IAS ऑफिसर थे बैच 1985, जो कि बिलोंग करता था गुजरात काडर से, और उसने आल्सो शुरू किया है एज यूनियन एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी ऑफ इंडिया। इसके अलावा जो गिरीश चंद्र मुर्मू है, वो एक मैनेजमेंट ग्रेजुएट हैं, जो एक्चुअली मैनेजमेंट डिग्री होती है, ये BCom होती है, नॉलेज ऑफ बिजनेस, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एट्सेट्रा। और जो गिरीश चंद्र मुर्मू है वो आल्सो ग्रेजुएट हैं इन पॉलिटिकल साइंस। इसके अलावा गिरीश चंद्र मुर्मू ने शुरू किया है एज अ प्रिंसिपल सेक्रेटरी इन गुजरात फॉर 9 ईयर्स, एंड आफ्टर बिकमिंग लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी
दैट टाइम उसने एडवाइस किया ब्यूरोक्रेट्स को सो दैट दे कैन चेंज देयर माइंडसेट इन ऑर्डर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और उसने आल्सो एडवाइस किया ब्यूरोक्रेट्स को सो दैट दे कैन ब्रिंग द गुड गवर्नेंस सिस्टम इन जम्मू एंड कश्मीर. नाउ बात करते हैं अबाउट द चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो चीफ मिनिस्टर है वो रियल हेड है गवर्नमेंट का और उसके पास अथॉरिटी है एडमिनिस्टर करने के लिए यूनियन टेरिटरी को. और जो ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का उसके लिए कोई भी फिक्स्ड टर्म नहीं है और चीफ मिनिस्टर होल्ड रखता है अपने ऑफिस को अंटिल जब तक वो एंजॉय करता है अपनी मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स ऑफ हिज ओन पार्टी इन लेजिस्लेटिव असेंबली. और जो चीफ मिनिस्टर है इसको अपॉइंट करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर और बाकी मेंबर्स जो होते हैं उनको आल्सो अपॉइंट करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर बट ऑन द एडवाइस ऑफ चीफ मिनिस्टर. और जो चीफ मिनिस्टर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वैल्यूएबल पर्सन होता है जो कि एंजॉय करता है बहुत सारे पावर्स को. इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है ये एक्ट करता है एज अ प्रिंसिपल एज एडवाइज़र ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर. और जो चीफ मिनिस्टर होता है ये एक्चुअली एक्ट करता है एज अ लिंक बिटवीन लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है ये आल्सो इन्फॉर्म करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को अबाउट द ऑल डिसीजंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर होता है ये अपॉइंट करता है बाकी मिनिस्टर्स को एज ए हेड ऑफ डिफरेंट मिनिस्ट्रीज. इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर होता है ये आल्सो चीफ स्पोक्समैन होता है गवर्नमेंट का जिसको चूज़ किया जाता है सो दैट ही कैन स्पीक अबाउट द डिफरेंट मैटर्स और इशूज़. इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर है ये होल्ड रखता है अथॉरिटी ओवर ऑन द इम्पॉर्टेंट पॉलिसीज़ एज वेल. नाउ बात करते हैं अबाउट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हमें 90 सीट्स देखने को मिलते हैं इन द लेजिस्लेटिव असेंबली. एंड आफ्टर द सेपरेशन ऑफ लद्दाख डिवीजन फ्राम जम्मू एंड कश्मीर जो टोटल नंबर ऑफ असेंबली सीट्स हैं उनको रिड्यूस किया गया फ्राम 87 टू 83 जब लद्दाख यूनियन टेरिटरी सेपरेट यूनियन टेरिटरी बन गई. दस जो 4 सीट्स हैं लद्दाख की वो हमें अलग देखने को मिलते हैं फ्राम द सीट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी. However, after the delimitation reorganization process, जो number of seats हैं उनको increase किया गया from 83 to 90. इसके अलावा lieutenant governor जो है उसके पास power है कि वो nominate कर सकता है 2 women members in legislative assembly. इसके अलावा legislative assembly में कोई भी reserved seats नहीं रखी जाती हैं for scheduled castes and scheduled tribes. और ये आल्सो वर्दी है मेंशन करना कि 24 सेपरेट सीट्स जो हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के वो रखे गए हैं फॉर पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर जो कि ऑफिशियली वैकेंट हैं. एंड आफ्टर द प्रोसेस ऑफ डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज जो टोटल स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव असेंबली की उसको इनक्रीज़ किया गया फ्राम 107 टू 114 सीट्स. बट इनमें से खाली जो 90 सीट्स हैं वो फिलर सीट्स होगी फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. और जैसे कि मैंने अबव मेंशन किया कि जो 24 सीट्स हैं वो रखी गई है फॉर द पीओके और जो कि वैकेंट रहेंगी. ठीक. इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की उसका हमें पावर देखने को मिलता है कि वो लॉ बना सकती है रिलेटेड टू एनी मैटर एज पर द स्टेट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट द पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर इन कनकरेंट लिस्ट. सो जो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर हैं और कनकरेंट लिस्ट हैं इस पर सेंट्रल लॉस बनाते हैं. एक्चुअली जो कनकरेंट लिस्ट हैं इस पर बोथ स्टेट गवर्नमेंट एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट जो हैं वो लॉस बनाती हैं बट जो पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर हैं जो कि कनकरेंट लिस्ट में आता है इस पर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर में सेंट्रल लॉ बनाएगा. और मैं आपको आल्सो बता दूं स्टेट कनकरेंट और यूनियन लिस्ट जो है ये आते हैं अंडर द 7th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. इन अदर वर्ड्स में अगर हम कहें कि जो सेंटर है उसका हमें डायरेक्ट कंट्रोल देखने को मिलता है ओवर ऑन द लॉ एंड ऑर्डर एंड पुलिस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर थ्रू लेफ्टिनेंट गवर्नर. नाउ बात करते हैं अबाउट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है लेजिस्लेटिव असेंबली के उनका नंबर जो है वो फिक्स्ड है दैट इज़ 10% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स.
और जो चीफ मिनिस्टर है वो एक्ट करता है एज ए हेड ऑफ द गवर्नमेंट, और जो चीफ मिनिस्टर है वो एडवाइस करता है लेफ्टिनेंट गवर्नर को टू परफॉर्म हिज और हर ओन एक्शंस। तो जो स्ट्रेंथ है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की वो हमें फिक्स्ड देखने को मिलती है, दैट इज 10% मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली। सो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है यूनिटरी टिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की, उसमें हमें नाउ 90 MLAs देखने को मिलते हैं एंड अदर 19 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट विद डिपेंडेंट चार्ज। और मैटर्स रिलेटेड टू लैंड और लैंड टेन्योर्स, जैसे रिलेशन ऑफ लैंडलॉर्ड एंड ओनर्स, कलेक्शन ऑफ रेंटर्स, ट्रांसफर एंड ऑनरशिप, एलिनेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड, लैंड इम्परमानेंट एग्रीकल्चर लोन्स एट्सेट्रा। सो ये अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट में आते हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इसके अलावा लैंड रेवन्यू, जैसे असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ रेवन्यू, मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड, सर्वे ऑफ रेवन्यू पर्पजेस और रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स एंड ओनरशिप ऑफ रेवन्यूज, ये आल्सो आते हैं अंडर द कंट्रोल ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है इनको हेड करता है चीफ मिनिस्टर, जो कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो वर्क करते हैं टुगेदर, और अगर वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन को पास किया जाएगा अगेंस्ट एनी मिनिस्टर, जो एंटायर काउंसिल होगी मिनिस्टर्स की, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन जम्मू एंड कश्मीर। सिंस 75 ईयर्स जो जम्मू एंड कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली थी, और जिसको हम जानते हैं अपर हाउस ऑफ द स्टेट असेंबली, इसको नाउ एबॉलिश किया गया अंडर सेक्शन 57 ऑफ जम्मू एंड कश्मीरी ऑर्गेनाइजेशन एक्ट। और जो सभी स्टाफ मेंबर्स थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको ऑर्डर इशू किया गया सो दैट दे कैन सबमिट देयर रिपोर्ट्स टू जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एक्चुअली ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी ये डिस्कस करती थी या पास करती थी बिल्स को, जैसे लैंड टू टिलर लॉ, रिसेटलमेंट बिल एट्सेट्रा। इसके अलावा जो सेक्रेटरी थे लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उसको ऑर्डर इशू किया गया सो दैट ही कैन सबमिट ऑल द रिकॉर्ड्स रिलेटेड टू काउंसिल सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव बिजनेस ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ एंड रिकॉर्ड्स ऑफ जस्टिस एंड पार्लियामेंट्री अफेयर्स टू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। एक्चुअली ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी जम्मू एंड कश्मीर में, इसकी हमें स्ट्रेंथ देखने को मिलती थी, दैट इज 36 मेंबर्स जो कि पार्ट हुआ करते थे इलेक्टोरल कॉलेज फॉर राज्यसभा इलेक्शंस। नाउ ड्यू टू द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो टेन्योर है, टाइम पीरियड है सभी मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के, वो अब एंड हुआ बिकॉज ऑफ द एबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। और जो व्हीकल्स थे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको ट्रांसफ़र किया गया टू द स्टेट मोटर गैरेज। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन पार्लियामेंट। एज पर द अरेंजमेंट्स, जो यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है, इसके अब हमें 5 MPs देखने को मिलते हैं इन लोकसभा, दैट इज़ लोअर हाउस, और 4 MPs देखने को मिलते हैं इन राज्यसभा, दैट इज़ अपर हाउस। और जो रिप्रेजेंटेशन है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर की इन पार्लियामेंट, ये हमें सिमिलर देखने को मिलती है लाइक द अरेंजमेंट जो कि कैरी आउट किया गया ड्यूरिंग 1954 टू 1966 बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड जम्मू एंड कश्मीर थ्रू प्रेसिडेंशियल ऑर्डर्स। नाउ बात करते हैं अबाउट कॉमन हाई कोर्ट फॉर यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है वो कॉमन हाई कोर्ट रहेगा फॉर द बोथ यूनियन टेरिटरीज, दैट इज जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के, वो ज्वाइन करेंगे, होल्ड करेंगे अपना ऑफिस एट द टाइम ऑफ देयर अपॉइंटमेंट, दैट इज़ फ्रॉम 31st October 2019। और ये इम्पॉर्टेंट है मेंशन करना कि जो सैलरी या अलाउंसेस है जजेस की, उनको प्रोवाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन रेशियो ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी। एट प्रेजेंट इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी एंड लद्दाख हमें 17 जजेस देखने को मिलते हैं, एमंग विच 13 जजेस जो हैं वो हमें परमानेंट देखने को मिलते हैं और 4 जजेस जो हैं वो एडिशनल जजेस हैं। एंड फ्रॉम मई टू अक्टूबर
जो चीफ जस्टिस और जो एडमिनिस्ट्रेटिव विंग है हाई कोर्ट की वो शिफ्ट होती है टू श्रीनगर फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल और वो वर्क करते हैं जम्मू। हाउएवर जो विंग्स और जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम है जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट का वो फंक्शन करता है थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। इसके अलावा जो जस्टिस गीता मित्तल हैं वो फर्स्ट चीफ जस्टिस बनी कॉमन हाई कोर्ट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उसको वाइडली जाना जाता है फॉर हिज इनॉग्रेशन ऑफ वल्नरेबल विटनेस कोर्ट रूम प्रोजेक्ट इन दिल्ली ट्रायल कोर्ट्स, जो कि फर्स्ट सच टाइप ऑफ कोर्ट रूम बना इन इंडिया, जिसको इनॉग्रेट किया गया बाई जस्टिस गीता मित्तल ऑन सितंबर 16, 2012। और मैं आपको ऑल्सो बता दूँ एट प्रेजेंट जो चीफ जस्टिस हैं जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के वो हैं एन कोटेश्वर सिंह। हाउएवर जो गीता मित्तल हैं वो फर्स्ट वुमेन है फ्रॉम द फील्ड ऑफ लॉ एंड जस्टिस जिसको अवार्ड किया गया विद इन नारी शक्ति पुरस्कार, जो कि इंडिया का हाइस्ट सिविलियन ऑनर है फॉर वुमेन। इसके अलावा जस्टिस मित्तल जो है इसको आल्सो इनवाइट किया बाय पोपी फ्रांसिस टू वेटिकन सिटी सो दैट शी कैन डिलीवर अ स्पीच एट द कॉन्फ्रेंस ऑफ जजेस एंड प्रोसिक्यूटर्स ऑन ह्यूमन ट्रैफिकिंग। नाउ बात करते हैं अबाउट द एडवोकेट जनरल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो एडवोकेट जनरल होता है या एक्चुअली हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होता है, दैट इज़ आल्सो द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो एडवोकेट जनरल होता है ये इसको अपॉइंट करता है बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर और ये होल्ड करता है अपने ऑफिस को एज पर द ऑर्डर ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर। और एडवोकेट जनरल बनने के लिए एक पर्सन के पास एक्सपीरियंस होनी चाहिए सो दैट वो पर्सन जज होना चाहिए हाई कोर्ट का, जो कि एलिजिबल है फॉर द पोस्ट ऑफ एडवोकेट जनरल। और जो ड्यूटी होती है एक्चुअली एडवोकेट जनरल की वो ये होती हैं कि एडवाइस देना टू द गवर्नमेंट ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अबाउट द लीगल मैटर्स। और एडवोकेट जनरल जो है वो परफॉर्म करता है अपनी ड्यूटी को एज अ लीगल करेक्टर। फ्रॉम टाइम टू टाइम जो एडवोकेट जनरल है वो सॉल्व करता है इशूज और मैटर्स ऑफ द गवर्नमेंट। वेल परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज़ जो एडवोकेट जनरल होता है उसके पास राइट होता है राइट ऑफ ऑडियंस और वो डिस्कस कर सकता है इशूज़ इन द ऑल कोर्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और जो एडवोकेट जनरल होता है वो रिसीव करता है अलाउंसेस और एक्सपेंसेस फ्रॉम लेफ्टिनेंट गवर्नर। इसके अलावा प्रोमिनेंट सीनियर एडवोकेट डीसी रेना जो है उसको अपॉइंट किया गया एज फर्स्ट एडवोकेट जनरल ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उसकी अपॉइंटमेंट से पहले उसने आल्सो सर्व किया है एज एडवोकेट जनरल फॉर 3 times इन जम्मू एंड कश्मीर। क्या आप मुझे कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि प्रेजेंट एडवोकेट जनरल जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो कौन है, ठीक है। इसका आंसर आप कमेंट सेशन में लिख सकते हैं। नाउ बात करते हैं अबाउट द पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख यूनियन टेरिटरी अंडर UPSC। जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है दैट इज JKPSC। ये हमें रिक्रूटिंग एजेंसी देखने को मिलते हैं जिसमें गेजेटेड पर्सनस को जो JKPSC है ये रिक्रूटिंग एजेंसी है जिसमें रिक्रूट किए जाते हैं गेजेटेड सर्विस पोस्ट्स के लिए कैंडिडेट्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। वाइल एज जो यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख है उसको सर्व किया जाता है डायरेक्टली बाय द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन दैट इज़ UPSC। एंड एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एक्ट जो चेयरमैन और बाकी मेंबर्स हैं उन्होंने होल्ड किया ऑफिस फ्रॉम October 31, 2019। और जो पब्लिक सर्विस कमीशन है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के उसका हमें चेयरमैन एज वेल एज 8 members देखने को मिलते हैं। और ये जो पब्लिक सर्विस कमीशन है जम्मू एंड कश्मीर का ये कंडक्ट करता है रिक्रूटमेंट्स फॉर द वेरियस गेजेटेड सर्विसेज जैसे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस जम्मू एंड कश्मीर जुडिशियल सर्विस असिस्टेंट प्रोफेसर्स इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एज वेल एज जम्मू एंड कश्मीर पुलिस सर्विस एट्सेट्रा। एंड आफ्टर रीऑर्गेनाइजेशन BR शर्मा जो है उसको पहले अपॉइंट किया गया एज अ चेयरमैन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर था बैच 1984 फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर केडर।
और बी आर शर्मा ने आल्सो सर्व किया है एज अ चीफ सेक्रेटरी इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और आप मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिए कि जो करंट चेयरमैन है जम्मू एंड कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन का वो कौन है। सो राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेशन। नाउ बात करते हैं अबाउट द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, सॉरी नाउ बात करते हैं अबाउट न्यू ऑफिशियल लैंग्वेजेस जिनको अडॉप्ट किया गया इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसने सजेस्ट किया लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सो दैट दे कैन अडॉप्ट न्यू ऑफिशियल लैंग्वेज। और जो लेजिस्लेटिव असेंबली है इसका हमें पावर देखने को मिलता है अडॉप्ट करने के लिए मोर लैंग्वेजेस इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जिनको यूज़ किया जा सकता है फॉर द वेरियस ऑफिशियल पर्पजेस। फर्दर जो लेजिस्लेटिव असेंबली है जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी की, उसने सजेस्ट किया कि जो हिंदी और इंग्लिश है वो ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी फॉर द जम्मू एंड कश्मीर। और सभी जो बिल्स या एक्ट्स ऑर्डर्स और रूल्स रेगुलेशंस और बाकी लॉज जो होंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको क्रिएट किया जाएगा इन इंग्लिश। और मैं आपको ऑल्सो बता दूँ एट्थ शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डील करता है विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। और हमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेज देखने को मिलते हैं जिनको मेंशन किया गया है इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब कमेंट सेशन में मुझे बता दीजिए कि कौन सा आर्टिकल जो है वो डील करता है विद द ऑफिशियल लैंग्वेज। एनीवेज लेट्स नो अबाउट द मेजर लैंग्वेजेस ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो रिकॉग्नाइज्ड रीजनल लैंग्वेजेस हैं यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, वो हैं डोगरी, उर्दू, दार्दी, पहाड़ी एंड पंजाबी। एमंग विच जो दार्दी लैंग्वेज है इसको बोला जाता है इन गुरीज, वाइल जो पंजाबी लैंग्वेज है इसको बोलते हैं सिक्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो कि मेन लैंग्वेज है सिक्स की। और जो पहाड़ी और गुजरी लैंग्वेज हैं ये लैंग्वेज हैं जो कि अक्सर गुजरस बोलते हैं और बकरवास, वाइल एज जो किश्तवारी, बादरवाही, पास्तो और पोगली ये हमें पॉपुलर लैंग्वेजेस देखने को मिलते हैं जिनको बोला जाता है इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नाउ बात करते हैं अबाउट द एलोकेशन ऑफ सेंट्रल सर्विस ऑफिसर्स। ऑल इंडिया सर्विस पोस्ट्स जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस IAS, इंडियन पुलिस सर्विस IPS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस ऑफिसर्स जो होंगे यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के, वो वर्क करेंगे अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेफ्टिनेंट गवर्नर थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर सभी जो ऑफिसर्स होंगे ऑल इंडिया सर्विस के इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, वो वर्क करेंगे एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर। और सभी जो IAS, IPS या IFS ऑफिसर्स होंगे उनको पोस्ट किया जाएगा ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और उनको ट्रेन किया जाएगा इन अरुणाचल प्रदेश, गोवा और मिजोरम यूनियन टेरिटरीज में, दैट इज़ AGMUT केडर। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट ने आल्सो कैरी आउट किया नेसेसरी मॉडिफिकेशंस को इन द रूल्स ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो यूनियन टेरिटरीज हैं वो उनको सेंट्रल फंडिंग प्रोवाइड की जाएगी फॉर द पॉपुलेशन एंड अदर पैरामीटर्स। जो जम्मू एंड कश्मीर ऑर्गेनाइजेशन एक्ट है ये प्रोवाइड करता है नेसेसरी मेजर्स फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवन्यू एसेट्स लाइबिलिटीज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जो क्लास 83 है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो डील करता है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू, जो कि सजेस्ट करता है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो डिटरमाइन करेगा शेयर और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेवेन्यू सर्विसेज इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एज पर द 14th फाइनेंस कमीशन एंड ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन रेशियो एंड अदर पैरामीटर्स। और इस एक्ट के थ्रू आल्सो प्रोवाइड किया जाएगा ग्रांट्स को टू द लद्दाख एज पर द रिसोर्सेज ऑफ लद्दाख यूनियन टेरिटरी। और जो न्यू डिस्ट्रीब्यूशन है ये आल्सो डील करती है विद द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स लाइबिलिटीज बिटवीन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। और ये जो एक्ट है ये आल्सो वर्क करता है फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेट्स राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ कंपनीज एंड कॉरपोरेशंस इन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। इसके अलावा ये जो सेंट्रल सॉरी ये जो एडवाइजरी कमेटी है ये आल्सो डील करते हैं विद द वेरियस इशूज़ रिलेटेड टू द एग्रीमेंट्स रिगार्डिंग द
जनरेशन एंड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिक पावर, सप्लाई ऑफ वाटर एज वेल एज ये आल्सो डील करते हैं विद मैटर्स रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन एंड अदर एलाइड सेक्टर्स। नाउ बात करते हैं अबाउट न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस जो कि एप्लीकेबल है नाउ इन जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है उसने ब्रिंग किया बहुत सारे चेंजेस को इन द रूल्स लॉस जो कि नाउ एप्लीकेबल होंगे ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और अब कई नए लॉज जो हैं उनको क्रिएट किया गया, एनफोर्स किया गया बाय द स्टेट लेजिस्लेचर्स इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और कई ऐसे लॉज हैं जिनको आल्सो एबॉलिश किया गया जो कि नाउ वैलिड नहीं है ऑन द जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी। तकरीबन 173 स्टेट लॉज जो होंगे वो नाउ एप्लीकेबल होंगे फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अमंग विच जो 166 लॉज होंगे वो एप्लीकेबल होंगे होली, और जो 7 लॉज होंगे वो रिलेटेड हैं विद द लैंड एंड प्रॉपर्टी। एंड एज पर द रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर वो जो 164 लॉज होंगे जो 164 लॉज हैं और बाकी 11 लॉज जो हैं उनको एबॉलिश किया गया इन जम्मू एंड कश्मीर। एज मनी एज 106 सेंट्रल लॉज जो हैं वो नाउ एप्लीकेबल हैं ऑन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख। और अगर हम इन लॉज की बात करें, सम ऑफ दीज लॉज आर इंडियन पेनल कोड, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट, डिलिमिटेशन एक्ट एंड वाकफ एक्ट। नाउ बात करते हैं अबाउट अनदर टॉपिक दैट इज जम्मू एंड कश्मीर जुडिशरी और हाई कोर्ट। जो फुल फ्लेज्ड हाई कोर्ट हैं इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर उसको एस्टेब्लिश किया गया इन द ईयर 1928। एंड बिफोर द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हाई कोर्ट जो रूलर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के वो थे महाराजा प्रताप सिंह, जिसके पास फाइनल अथॉरिटी हुआ करती थी एडमिनिस्टर करने के लिए स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और उसके पास अथॉरिटी थी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस की इन द स्टेट। एंड इन द ईयर 1889 जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उसने महाराजा प्रताप सिंह से रिक्वेस्ट किया कि वो अपॉइंट करे जुडिशल काउंसिल को, और जो मेंबर्स होंगे जुडिशल काउंसिल के वो कंट्रोल करेंगे वेरियस इश्यूज रिलेटेड टू द सिविल एंड क्रिमिनल मैटर्स। एंड ओवर ऑन द बोथ प्रोविंसेस दैट इज जम्मू एज वेल एज कश्मीर जो चीफ जजेस हैं उनको अपॉइंट किया गया, और उनके पास जुडिशल अथॉरिटी थी सो दैट दे कैन कंट्रोल द स्टेट। और ये जजेस जो थे ये वर्क करते थे अंडर द सुपरिटेंडेंस एंड लॉ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल। लेटर ये जो काउंसिल हैं इसको एबॉलिश किया गया और जज ऑफ हाई कोर्ट को अपॉइंट किया बाय महाराजा प्रताप सिंह जो कि डील करता था बहुत सारे जुडिशल केसेस से। देन इन 1927 न्यू कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेक्शन की बाय महाराजा हरि सिंह, और मिनिस्ट्री ऑफ जुडिशल डिपार्टमेंट जो है वो क्रिएट की गई। एंड ऑन द 26 मार्च 1928 जो महाराजा हरि सिंह है उसने अपॉइंट किया लाला कंवर सेन को एज ए फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट। इसके अलावा राय बहादुर लाला बोध राज सवने खान साहिब आगा सईद हुसैन इनको अपॉइंट किया गया एज जजेस ऑफ द हाई कोर्ट। अब बात करते हैं अबाउट द प्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ द हाई कोर्ट। जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपॉइंट करती हैं मिनिमम जजेस, मिनिमम नंबर ऑफ जजेस अलोंग विथ चीफ जस्टिस इन ईच हाई कोर्ट। सो एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो जजेस होंगे हाई कोर्ट के वो लेस होंगे, और जो हाई कोर्ट होगा उसके अंडर हमें 2 चीफ जस्टिस देखने को मिलते हैं। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें देर आर 17 जजेस इन द हाई कोर्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, एमंग विच जो 13 जजेस हैं वो हमें परमानेंट देखने को मिलते हैं और जो 4 जजेस हैं वो एडिशनल जजेस हैं। एंड फ्रॉम मई टू अक्टूबर जो चीफ जस्टिस और एडमिनिस्ट्रेटिव विंग जो है हाई कोर्ट की वो वर्क करते हैं फ्रॉम श्रीनगर, और फ्रॉम नवंबर टू अप्रैल जो चीफ जस्टिस और जो हाई कोर्ट विंग हैं वो वर्क करते हैं फ्रॉम जम्मू। हाउएवर जो कोर्ट सेक्शन है जम्मू एंड कश्मीर विंग का वो फंक्शन करता है थ्रू आउट द ईयर।
और जो जजेस हैं जो मैंने कश्मीर हाई कोर्ट के, उनको ट्रांसफ़र किया जा सकता है टू द अनदर कोर्ट थ्रू प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बात करते हैं अबाउट द अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के, उसको अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर ऑफ दैट वेरी स्टेट। एंड इन केस ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस, जो जजेस हैं उनको अपॉइंट करता है गवर्नर ऑफ ए स्टेट इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट एज वेल एज चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे मेंशन करना कि जो आर्टिकल 241 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो डील करता है विद द ऑल हाई कोर्ट्स इन द यूनियन टेरिटरीज। अब बात करते हैं अबाउट द क्वालिफिकेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। जो चीफ जस्टिस है हाई कोर्ट का, वो मस्ट सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। और चीफ जस्टिस बनने के लिए एक पर्सन मस्ट एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट का फॉर एटलीस्ट 10 ईयर्स। और एक पर्सन के पास जुडिशियल एक्सपीरियंस होनी चाहिए एटलीस्ट 10 ईयर्स की। अब बात करते हैं अबाउट टर्म एंड सैलरी ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, वो रिटायर होते हैं एट द एज ऑफ 62 ईयर्स। और उनकी टर्म जो है वो आल्सो शॉर्ट हो सकती है ड्यू टू देयर रिजाइनेशन और रिमूवल बाय द प्रेसिडेंट। और जो सैलरी होती है चीफ जस्टिस की, वो नियर अबाउट ₹2,50,000 पर मंथ होती हैं। और बाकी अदर जजेस जो होते हैं, उनकी जो सैलरी होती है वो ₹2,25,000 पर मंथ होती हैं। अब बात करते हैं अबाउट द रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट। जो प्रेसिडेंट हैं वो रिमूव कर सकता है जज ऑफ हाई कोर्ट, और उसको रिमूव किया जा सकता है जब पार्लियामेंट जो है वो पास करता है मैटर्स ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट बाई 2/3 मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स और वोटिंग इन ईच हाउस। हाउएवर जो कंडक्ट या एक्शन है जजेस की, उसको मेंशन नहीं किया गया है या डिस्कस नहीं किया गया है इन पार्लियामेंट, एक्सेप्ट जो मोशन है रिमूवल ऑफ जज की, उसको मेंशन किया गया है। नब बात करते हैं अबाउट द रिस्ट्रिक्शन एंड लीगल प्रैक्टिस ऑफ जजेस। जो जजेस हैं हाई कोर्ट के, उनको अलाउ नहीं किया जाता है फॉर सो दैट दे कैन प्रैक्टिस और अप्लाई एनी लॉ बिफोर द परमिशन ऑफ द सेम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, सॉरी एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और एनी अदर हाई कोर्ट। सो जो जजेस हैं वो प्रैक्टिस और अप्लाई कर सकते हैं लॉज को इन परमिशन, आफ्टर टेकिंग परमिशन फ्रॉम द हाई कोर्ट अथॉरिटी। नाउ बात करते हैं अबाउट द ज्यूरिसडिक्शन। जो ज्यूरिसडिक्शन और जो हाई कोर्ट है, ये हमें कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड देखने को मिलता है जिसके पास अथॉरिटी है ओवर ऑन द वेरियस इश्यूज। जैसे ज्यूरिसडिक्शन के थ्रू बहुत सारे पर्सनस को पनिश किया जा सकता है उनके इलीगल एक्ट्स के लिए। इसके अलावा हाई कोर्ट के पास पावर है कि वो इशू कर सकते हैं रिट्स इन केस ऑफ द वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ एनी पर्सन। और मैं आपको ऑल्सो बता दूँ, देर आर 11 फंडामेंटल राइट्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और आप मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिए कौन से आर्टिकल्स जो हैं जो कि बिलोंग करते हैं विद द फंडामेंटल राइट्स। ओके, इसके अलावा जो हाई कोर्ट है वो ऑल्सो सुपरवाइज मोनिटर करता है वर्किंग ऑफ ऑल सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। और जो हाई कोर्ट हैं, ये लॉस क्रिएट करते हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस क्रिएट करते हैं फॉर द ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है, ये ऑल्सो इन्वेस्टिगेट करता है, सुपरवाइज करता है रिकॉर्ड्स ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, और हेयर इज इम्पॉर्टेंट टिटबिट, दैट इज जस्टिस शंभूनाथ जो है, जो कि कश्मीरी पंडित था, वो फर्स्ट नॉन ब्रिटिश पर्सन बने जिसको अपॉइंट किया गया एज ए जज ऑफ हाई कोर्ट ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। नाउ बात करते हैं अबाउट अनदर टॉपिक, दैट इज पंचायती राज इन जम्मू एंड कश्मीर। एक्चुअली जो पंचायती राज है, ये एक हेल्दी साइन है और फॉरम है डेमोक्रेसी की, जिसमें कलेक्टिव डिसीजंस जो है वो लिए जाते हैं बाय द पीपल। और जो पंचायती राज है, ये हमें सिंबल देखने को मिलते हैं डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन का, विच मीन्स जिसमें हमें डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलता है पावर्स, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ और अथॉरिटीज़ का। और जो पंचायती राज है, ये एक्ट करता है एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, सो दैट इन ऑर्डर टू सिक्योर द इफेक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। सो कलेक्टिवली इसके अंडर डिसीजंस लिए जाते हैं बाय द पीपल। और ये आल्सो हेल्प करती हैं गवर्नमेंट को, सो दैट फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। नाउ बात करते हैं अबाउट द
स्ट्रक्चर ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। जम्मू एंड कश्मीर में जो पंचायती राज है इसको डिवाइड किया गया है इंटू द थ्री डिविजन्स। दीज आर हल्का पंचायत एट हल्का लेवल, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल एट ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। नाउ बात करते हैं अबाउट फर्स्ट वन, दैट इज़ हल्का पंचायत। हल्का जो है इसका एक्चुअली मतलब है विलेज और नंबर ऑफ विलेजेस जिनको डिटरमाइन करता है गवर्नमेंट फ्राम टाइम टू टाइम। और हमें हल्का पंचायत देखने को मिलता है फॉर इन एवरी विलेज और हल्का, और हर एक पंचायत हल्का में हल्का मजलिस होती है। और हल्का मजलिस जो है एक्चुअली ग्रुप ऑफ पर्सनस होते हैं जिनकी नेम्स जो हैं वो मैंशन किए जाते हैं या जो कि मैंशनड होते हैं इन द इलेक्टोरल रोल फॉर दैट हल्का पंचायत। और हर एक हल्का पंचायत में हमें पंचेस देखने को मिलते हैं बट नॉट लेस देन 7 और मोर देन 11। इसके अलावा हर एक हल्का पंचायत में 1 सरपंच होता है और नायब सरपंच होता है। और हर एक पंच जो होता है हल्का पंचायत का वो होल्ड करते हैं ऑफिस को फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ देयर ज्वाइनिंग। और हल्का पंचायत जो है ये कंडक्ट करते हैं मीटिंग्स को एटलीस्ट वंस इन मंथ। नो बात करते हैं अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ हल्का पंचायत। जो मेन काम है हल्का पंचायत का वो ये है प्रिपेयर करना प्लान्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिट हल्का। और जो हल्का पंचायत है ये हेल्प करता है गवर्नमेंट को फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस डेवलपमेंटल प्लान्स। इसके अलावा हल्का पंचायत के थ्रू रेगुलेट किया जाता है बिल्डिंग्स, शॉप्स, एंटरटेनमेंट हाउसेस। और जो हल्का पंचायत है आल्सो चेक करता है ऑफेंसिव और डेंजरस ट्रेड्स को। इसके अलावा जो हल्का पंचायत है ये आल्सो रेगुलेट करता है फेयर्स और फेस्टिवल्स को। इसके अलावा जो हल्का पंचायत है ये स्पेसिफिकली डील करता है विद द प्रॉब्लम ऑफ सॉइल कंजर्वेशन, वाटर मैनेजमेंट, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल इंडस्ट्रियलाइजेशन, एग्रीकल्चर एंड अदर वेलफेयर प्रोग्राम से। इसके अलावा जो हल्का पंचायत है ये प्रिपेयर और इम्प्लीमेंट करता है स्पेशल डेवलपमेंटल प्लान्स को फॉर रिड्यूसिंग पॉवर्टी। और ये आल्सो एम करता है एट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थ्रू वेरियस प्रोग्राम्स। इसके अलावा जो हल्का पंचायत है डील करता है विद द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेरियस स्कीम्स जैसे यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन एंड अदर एजुकेशनल स्कीम्स और प्रोग्राम्स। नेक्स्ट बात करते हैं अबाउट द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। हर एक ब्लॉक जो है जम्मू एंड कश्मीर का उनमें हमें ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल देखने को मिलते हैं जो कि वर्क करते हैं एज पर द ऑर्डर्स ऑफ द गवर्नमेंट। और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल में हमें चेयरपर्सन और सभी सरपंचेस जो होते हैं हल्का पंचायत इसके जो कि आते हैं अंडर द पर्टिकुलर ब्लॉक, सो ये मेंबर्स हमें देखने को मिलते हैं इन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। इसके अलावा इन ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल हमें स्पेशल प्रोविजन्स देखने को मिलते हैं फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड वुमेन मेंबर्स। और हर एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल का चेयरपर्सन होता है, वाइस चेयरपर्सन या सेक्रेटरी होता है। और जो टर्म होती हैं ऑफिस ऑफ द चेयरपर्सन ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल वो होते हैं फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ हिज इलेक्शन। बात करते हैं अबाउट द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये एडमिनिस्टर और ये प्रोवाइड करता है टेक्निकल गाइडेंस टू द हल्का पंचायतस सो दैट दे कैन रिव्यू देयर वर्क। और ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये सुपरवाइज मॉनिटर करते हैं प्लान्स रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ एट्सेट्रा। इसके अलावा जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है ये आल्सो हेल्प करते हैं इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पंचायती लेवल प्लान्स एज वेल एज ये आल्सो प्रिपेयर करता है ब्लॉक लेवल प्लान्स को। इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है ये इफेक्टिवली सुपरवाइज मॉनिटर करती हैं बहुत सारी डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स को जैसे MG नरेगा, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, प्राइम मिनिस्टर आवास योजना, वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम, मिड डे मील स्कीम्स, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस एट्सेट्रा। इसके अलावा ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है आल्सो सुपरवाइज मॉनिटर करता है प्लान्स रिलेटेड टू द रूरल डेवलपमेंट, एनिमल हस्बेंड्री, शीप हस्बेंड्री, सोशल फॉरेस्ट्री, एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ। और जो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है ये आल्सो परफॉर्म करता है बाकी फंक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज द फंक्शंस ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। और हर एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल जो है वो कंडक्ट करते हैं मीटिंग वंस इन ए मंथ। अब बात करते हैं अबाउट द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड।
हर एक डिस्ट्रिक्ट जो होता है एक पर्टिकुलर स्टेट में, वहाँ हमें डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड देखने को मिलता है। और जो मेंबर्स होते हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड के, वो होते हैं चेयरपर्सन ऑफ द ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट को इन पार्लियामेंट, एज वेल एज मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेटिव ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, सॉरी लेजिस्लेचर ऑफ पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट, चेयरमैन चेयरमैन ऑफ टाउन एरिया कमेटीज एट डिस्ट्रिक्ट लेवल एंड प्रेसिडेंट ऑफ द म्यूनसिपल काउंसिल। सो ये मेंबर्स हैं डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड के। और जो चेयरपर्सन होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड का, उसको इलेक्ट किया जाता है बाई द मेंबर्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। और ऑल्सो जो वाइस चेयर मैन होता है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड का, उसको इलेक्ट करते हैं बाई द मेंबर्स ऑफ दैट वेरी पर्टिकुलर बोर्ड। और जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर होता है वो एक्ट करता है एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड। नब बात करते हैं अबाउट द पावर्स फंक्शंस एंड फाइनेंसिंग ऑफ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बोर्ड की। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग और डेवलपमेंट बोर्ड जो होता है ये गाइड करता है ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसलर्स को इन ऑर्डर टू इम्प्लीमेंट द वेरियस डेवलपमेंटल प्रोग्राम्स। और डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये आल्सो चेक करता है प्रोग्रेस डेवलपमेंट एज वेल एज अचीवमेंट्स ऑफ डेवलपमेंटल प्लान्स एंड स्कीम्स, और ये मेक करता है रिकमेंडेशंस ऑन द डेवलपमेंटल प्लान्स और अचीवमेंट्स पे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड है ये फॉर्मुलेट फाइनलाइज करता है प्लान्स और नॉन प्लान बजट को फॉर डिस्ट्रिक्ट। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये आल्सो अप्रूव करते हैं बजट फॉर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल, और ये आल्सो कोऑर्डिनेट करता है मॉनिटर करता है वर्क ऑफ ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये स्पेशल स्टेप्स लेता है रिड्यूस करने के लिए पॉवर्टी को, और ये आल्सो एम करता है एट एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये प्रमोट असिस्ट करता है आल्सो कोऑपरेटिव सोसाइटीज और इंस्टीट्यूशंस को। इसके अलावा ये जो बोर्ड है ये आल्सो सेटअप करता है कमेटीज सो दैट दे कैन हैंडल दोज जॉब्स जिनके लिए ज़रूरत पड़ती है स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स नॉलेज एंड ट्रेनिंग। नब बात करते हैं अबाउट द पंचायती अदालत। जो पंचायती अदालत होती हैं वो एक हर एक हलका में होती हैं, और जो पंचायती अदालत होती हैं इसके हमें 5 मेंबर्स देखने को मिलते हैं जिनको नॉमिनेट करते हैं, जिनको नॉमिनेट किया जाता है थ्रू द रिकमेंडेशंस ऑफ द हलका पंचायत। और जो टर्म या टाइम पीरियड होता है मेंबर्स ऑफ द पंचायती अदालत वो होता है 5 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। एमंग विच जो 3 मेंबर्स होते हैं पंचायती अदालत के वो फॉर्म करते हैं क्योरम को। क्योरम जो है ये एक्चुअली स्मॉलेस्ट ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जो कि मिलते हैं या जो कि कंडक्ट करते हैं मीटिंग्स को इन ऑर्डर टू मेक ऑफिशियल डिसीजंस। और जो मेंबर्स होते हैं पंचायती अदालत के उनको इलेक्ट करता है सॉरी जो मेंबर्स होते हैं पंचायती अदालत के वो इलेक्ट करते हैं किसी भी मेंबर को अपने आप में से एज ए चेयरपर्सन ऑफ द पंचायती अदालत। और पंचायती अदालत जो है इसका हमें लीगल पावर और अथॉरिटी देखने को मिलती है ओवर ऑन द हल्का पंचायत रिगार्डिंग द वेरियस मैटर्स जैसे नॉलेज अबाउट द ऑफेंसेस, जैसे अगर कोई पर्सन इंक्वायरीज करता है या फोर्स करता है किसी पर्सन को कमिट करने के लिए कोई भी ऑफेंस। हाउएवर जो पंचायत अदालत है ये कोई भी पनिशमेंट इम्पोज नहीं कर सकता है ऑन दैट वेरी पर्सन, बट इंस्टीट्यूट लागू करता है फाइन ऑन दैट वेरी पर्टिकुलर पर्सन। सो जो विक्टम होता है उसको पे करना पड़ता है फाइन ऑफ 1000 रुपीज़। देन ये जो फाइन है ये दिया जाता है दैट वेरी पर्सन जो कि अफेक्ट हुआ होता है बाय द ऑफेंस और जो कि कंप्लेनेंट होता है। आइए जानते हैं अबाउट जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2004। जो पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट है 2004 का वो प्रोवाइड करता है रिजर्वेशन ऑफ पंच सीट्स फॉर शेड्यूल्ड कास्ट्स एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एवरी हल्का पंचायत। और ये जो एक्ट है ये आल्सो सजेस्ट करता है कि नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स जो होंगी उनको फिल किया जाएगा बाय द डायरेक्ट इलेक्शन। और ये जो सीट्स होंगी ये शेयर्ड होंगी अमंग द डिफरेंट कंस्टिट्यूएंसीज इन पंचायत। ओके नाउ बात करते हैं अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज अमेंडमेंट एक्ट 2018। ये जो पंचायती एक्ट है ये सजेस्ट करता है कि देयर शुड बी एटलीस्ट
वार्ड मजलिस फॉर ईच वार्ड ऑफ द पंचायत हल्का। और ये जो वार्ड मजलिस होंगी ये मिलेंगे, ये कंडक्ट करेंगे मीटिंग एटलीस्ट वंस इन ए ईयर। और जो फंक्शंस होंगी इन वार्ड मजलिस की उनको असिस्ट करेगा हल्का पंचायत। नेक्स्ट अबाउट हल्का मजलिस ग्राम सभा, ये जो एक्ट है ये सजेस्ट करता है कि दैट देयर शैल बी हल्का मजलिस फॉर ईच हल्का पंचायत। और जो मेंबर्स होंगे हल्का मजलिस के, ये वो मेंबर्स होंगे जिनके नाम जो है वो मेंशनड होंगे इन द इलेक्टोरल रोल्स। और जो मीटिंग्स होंगी हल्का मजलिस की उनको ऑर्गेनाइज करेगा सरपंच ऑफ द पंचायत। एंड इन द एब्सेंस ऑफ द सरपंच, जो नायब सरपंच है वो ऑर्गेनाइज करेगा हल्का पंचायत हल्का मजलिस मीटिंग्स को। एंड इट ऑल्सो सजेस्टेड दैट द एवरी ईयर देयर शैल बी एटलीस्ट टू मीटिंग्स ऑफ द हल्का मजलिस। और जो फंक्शंस होंगे हल्का मजलिस की उनको असिस्ट करेगा हल्का पंचायत। नेक्स्ट अबाउट हल्का पंचायत, जो हल्का पंचायती राज एक्ट 2018 है ये सजेस्ट करता है कि जो सरपंच है उसको डायरेक्टली इलेक्ट किया जाएगा बाय द इलेक्टोरेट ऑफ दैट वेरी हल्का पंचायत। और जो नायब सरपंच है उसको इलेक्ट किया जाएगा बाय द पंचेस ऑफ पर्टिकुलर पंचायत। और जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है हल्का पंचायत की वो ये है कि मोनिटर करना स्कीम्स प्रोजेक्ट्स को जिनको इम्प्लीमेंट किया आ जाएगा इन दैट वेरी पर्टिकुलर पंचायत एरिया। इसके अलावा इट आल्सो सजेस्टेड दैट कि अगर गवर्नमेंट सेटिस्फाई नहीं होगा विद ए हल्का पंचायत ऑफ एनी विलेज, देन जो गवर्नमेंट होगा वो अपॉइंट करेगा एडमिनिस्ट्रेटर जो कि एम्प्लॉय होगा गवर्नमेंट का, जो कि एडमिनिस्टर और होल्ड रखेगा अपने ऑफिस को फॉर ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। एट कंक्लूजन हम डिस्कस करेंगे फ्यू क्वेश्चंस दैट माइट बी आस्क्ड इन योर एग्जाम, और आप इन क्वेश्चंस का जो आंसर है वो कमेंट सेशन में देंगे। फर्स्ट जो है दैट इज जो रिटायरमेंट एज है चीफ जस्टिस ऑफ जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की वो कितनी है। योर ऑप्शंस आर ए 60 ईयर्स, बी 62 ईयर्स, सी 65 ईयर्स एंड डी 66 ईयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है जम्मू एंड कश्मीर की उसको हेड करता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफिशियल। योर ऑप्शंस आर ए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, बी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर, सी ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, डी कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, किस ईयर में जो जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट है उसको एस्टेब्लिश किया गया। योर ऑप्शंस आर ए 1928, बी 1934, सी 1957, डी 1948। सो give the answer of these questions in the comment section. Stay tuned for the next episode. Don't forget to share, like and subscribe to Discipline Talk channel. Thank you for watching.